नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। जयगहां बाजार में विधि विधान के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण पाल, एडवोकेट व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव तथा जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ सहित तमाम लोगों ने दी बधाइयाँ। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के जयगहां बाजार में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल, एडवोकेट व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव तथा बीडीसी विशाल सेठ सहित इलाके के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। सर्वप्रथम उपरोक्त लोगों ने मंदिर प्रांगण में स्थित शंकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात हवन कुंड के पास बैठकर पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया। उसके बाद सभी लोगों ने आरती किया। तत्पश्चात मीडिया से बात करते हुए कृष्ण पाल एडवोकेट ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जो भारत के हर छोटे बड़े मंदिरों पर मनाया जा रहा है। कहीं सरकारी संस्थानों पर स्वास्थ्य मेला लगाकर मरीजों का निःशुल्क उपचार के माध्यम से, तो कहीं मंदिरों पर पूजा अर्चना करके मनाया जा रहा है। इस मौके पर अनिल लाल श्रीवास्तव, संता यादव, श्रवण लाल, विशाल सेठ, रमेश यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज, पिंटू राय, सूर्यभान सोनकर सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सारे छोटे बड़े मंदिरों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके यशस्वी होने, दीर्घायु होने और लंबा जीवन जीने की कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन का आयोजन किया है। इसी निमित्त हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम भी यहाँ परम पूज्य शंकर जी महाराज जी से, लक्ष्मी जी से, बजरंग बली से, आदरणीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की, यशस्वी होने की कामना करते हुए आज उनके लिए पूजा अर्चन भवन किए हैं और उनके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं कि वो लंबा जीवन जिए और लंबे समय तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, हम सबका नेतृत्व करते रहें और भारत को एक बार फिर विश्व गुरु के पटल पर स्थापित करने का काम करें। आप सभी कार्यकर्ता मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।